नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत जांगेट, शोल्डर और नी सर्जन, जयपुर। दोस्तों, हमारे एसियल इंजरी के पेशेंट्स का हमसे एक कॉमन सवाल ये रहता है कि डॉक्टर साहब, आप एसियल सर्जरी में स्क्रू कौन सा यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अलग अलग तरह के स्क्रू हैं, वो अवेलेबल हैं। हर स्क्रू का अपना एक नुकसान और कुछ फ़ायदे हैं, तो अलग अलग स्क्रूज़ के बारे में आपसे इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, जो स्क्रू हम टीबिया साइड में फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम इंटरफेरेंस स्क्रू कहते हैं। इसे इंटरफेरेंस स्क्रू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बोन और जो ग्राफ्ट है उसकी इंटरफेरेंस पे फिक्स करता है, इसलिए इसको इंटरफेरेंस स्क्रू कहते हैं। अलग अलग तरह के स्क्रू हैं, वो प्रचलन में हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकली जो स्क्रू यूज़ किया गया था वो स्टेनलेस स्टील का था। ये स्क्रू है वो काफ़ी इकोनॉमिकल था और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन प्रोवाइड करता था। लेकिन इस स्क्रू के कुछ डिसएडवांटेज ये थे कि दोस्तों, जब आपको किसी इंजरी के कारण से या किसी और कारण से एमआरआई कराना पड़े, तो आप एमआरआई है वो उसमें काफ़ी आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करता था। एमआरआई में जो आपकी एक्चुअल इमेजिंग आनी चाहिए वो नहीं आ पाती थी, इसलिए ये स्क्रू है धीरे धीरे प्रचलन से बाहर होता गया। डिस्पाइट कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल स्क्रू था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन प्रोवाइड करता था, लेकिन एमआरआई कंपेटिबल नहीं होने के कारण से ये स्क्रू है वो धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गया। इसके बाद में जो स्क्रू हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली, वो है टाइटेनियम स्क्रू। टाइटेनियम स्क्रू है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन प्रोवाइड करता है, और ये टाइटेनियम है वो जो मेटल है वो उसकी मॉड्यूलो इलास्टिसिटी है वो बोन के काफ़ी करीब है, इस वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन प्रोवाइड करता है। इसमें कुछ हद तक बोन का इंटीग्रेशन भी हो जाता है। ये स्क्रू है वो एक्सरे पे दिखाई देता है, एमआरआई कंपेटिबल है। एमआरआई कंपेटिबल का मतलब ये है कि आपको अगर किसी कारण से एमआरआई करानी पड़े तो ये कुछ आर्टिफैक्ट है उसमें प्रोड्यूस नहीं करता है, या मिनिमल आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस में ये है कि दोस्तों, इस स्क्रू को कुछ केसेस में निकालना पड़ सकता है, और जब निकालने की सर्जरी करनी पड़ती है तो वो एक अलग सर्जरी हो जाती है, और ये उस जगह से जहाँ से निकाला जाता है वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इस कारण से ये स्क्रू भी है वो धीरे धीरे यूज़ में कम आ रहा है। एक इसका एडवांटेज ये भी है कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल स्क्रू है कंपेयर टू जो एडवांस दूसरे बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू हैं उसके मुकाबले। इसके बाद में जो स्क्रू आया है वो है बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू या PLLA स्क्रू, मतलब पोली एल लैक्टिक एसिड स्क्रू। ये स्क्रू है वो बायो एब्जॉर्बेबल होता है, मतलब ये समय के साथ में धीरे धीरे गल जाता है, और इसमें कुछ हद तक है वो नई बोन भी फॉर्म हो जाती है, लेकिन ये कम्प्लीटली है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, और जहाँ से ये एब्जॉर्ब होता है वहाँ पर धीरे धीरे इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसका फिक्सेशन है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता रहता है। तो ये इनिशियली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन प्रोवाइड करता है जब आप सर्जरी करते हैं तब तो, लेकिन कुछ समय के बाद में जो बोन और टेंडन के इंटरफेस है उससे ये गलना स्टार्ट होता है, और कुछ केसेस में ये सिस्ट फॉर्मेशन कर देता है और स्टरल रिएक्शन देता है। तो इस कारण से ये स्क्रू भी है वो धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो रहा है, या हम इसको बहुत ही कम यूज़ करते जा रहे हैं। इस स्क्रू के कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे ये इनिशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन प्रोवाइड करता है, ये रेडियोल्यूसेंट है, मतलब एक्सरे में दिखाई नहीं देता है, और ये MRI कंपेटिबल है, मतलब आप इसमें भी MRI करा सकते हैं। इसके बाद में जो स्क्रू हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पीक स्क्रू। पीक का मतलब है पोली इथाइल इथर कीटोन। ये स्क्रू है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये स्क्रू है वो इनर्ट स्क्रू है, मतलब ये स्क्रू है वो ना तो बायो एब्जॉर्ब होता है ना ही गलता है, ये जिस जैसा डाला जाता है वैसा ही रहता है। तो इस वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन प्रोवाइड करता है, और इसका जो फिक्सेशन है वो आखिर तक वैसा ही रहता है, ना कि जो बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू या PLLA स्क्रू है जिसका जो फिक्सेशन है वो समय के साथ में धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये स्क्रू भी है वो काफ़ी यूज्ड स्क्रू है आज के समय में, और ये स्क्रू भी है वो MRI कंपेटेबल है, इसमें भी आप MRI करा सकते हैं, और ये रेडियोल्यूसेंट भी होता है। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको अगर किसी रिवीजन केस में निकालना पड़े तो निकालने के समय पे ये स्क्रू है वो एक्सरे पे दिखाई नहीं देता है, तो इस कारण से कुछ प्रॉब्लम्स स्क्रू में आ सकती है। इसके बाद में जो स्क्रू हम यूज़ करते हैं वो है बायो कंपोजिट स्क्रू। बायो कंपोजिट स्क्रू है वो बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू में जो PLLA मटेरियल यूज होता था वो हाइड्रोक्सोएपेटाइट, जो बोन की स्ट्रक्चर होती है वो, और बीटा TCP, ये तीनों एलिमेंट को बना के बनाया जाता है, और ये काफ़ी एडवांस स्क्रू है। इस स्क्रू के एडवांटेज में ये है कि ये रेडियोल्यूसेंट है, एक्सरे में दिखाई नहीं देता है, MRI में दिखाई देता है, और MRI कंपेटिबल है। MRI कंपेटिबल का मतलब है कि आप इसमें इजीली MRI करा सकते हैं, और ये मिनिमल आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करता है। कुछ केसेस में
ये है वो जैसे बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू में जो स्टराइल रिएक्शन आती है वैसा स्टराइल रिएक्शन दे सकता है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमल है। इस स्क्रू का एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन प्रोवाइड करता है इनिशियल से और लास्ट तक। लेकिन ये स्क्रू की सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि ये स्क्रू है वो बायो इंटीग्रेशन करता है। बायो इंटीग्रेशन का मतलब है कि इसमें बोन है वो इंटीग्रेट होती रहती है और ये स्क्रू जहाँ जहाँ से गलता है वहाँ वहाँ पर नई बोन बनती रहती है। तो इस स्क्रू को मोस्टली कभी भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बेस्ट बात पार्ट ये है कि आप इसमें MRI भी इजीली करवा सकते हैं और MRI कंपेटिबल स्क्रू है। तो अलग अलग तरह के बायो कंपोजिट स्क्रू हैं वो मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के, जिसमें किसी पर्टिकुलर कंपनी को मैं प्रमोट नहीं करूँगा, सभी कंपनीज के स्क्रू हैं वो अच्छे हैं। इस स्क्रू का डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। जो टाइटेनियम स्क्रू है वो फिक्सेशन अच्छा प्रोवाइड करता है, काफ़ी इकोनॉमिकल स्क्रू है, लेकिन ये जो स्क्रू है वो फिक्सेशन अच्छा प्रोवाइड करता है बायो कंपोजिट स्क्रू, लेकिन ये स्क्रू है वो टाइटेनियम स्क्रू के कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्टली है। तो जो कुछ पेशेंट्स हैं जैसे मल्टी लिगामेंट इंजरी के पेशेंट है जिसमें हो सकता है कि अपन को 3 स्क्रू या 4 स्क्रू कुछ यूज़ करने पड़ जाए, जिसमें ACL, PCL, PLC और अदर इंजरीज हैं, तो उसमें 3 या 4 स्क्रू यूज़ करने पड़ जाए तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो उस केस में जो टाइटेनियम स्क्रू है वो भी एक प्रेफर्ड ऑप्शन है। तो आज के समय में फर्स्ट जो प्रेफर्ड ऑप्शन हमारे में रहता है वो है बायो कंपोजिट स्क्रू, और सेकंड अगर इकोनॉमी की कंसर्न है तो अपन टाइटेनियम स्क्रू मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी कि ACL सर्जरी में कौन कौन से स्क्रू यूज़ करते हैं। अगर आपका ACL सर्जरी से जुड़ा कोई सवाल है या उसमें स्क्रू के यूज़ से जुड़ा कोई सवाल है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। दोस्तों ACL से जुड़ी विभिन्न जानकारी हमें मैं अपने चैनल पर समय समय पर शेयर करता रहता हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।